हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है दोस्तों। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मुनव्वर बीबी किंग भी जीत गया माशाल्लाह से, और मुनव्वर को वोटिंग भी तगड़ी आ रही है, नंबर वन पे चल रहा है। काफ़ी लोग जो जराए हैं, जो जाहिर सी बात है मुनव्वर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुनव्वर की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी अनुराग की है, तो मैं बताना चाहता हूँ वो लोग अपनी आँखें खोलें, मुनव्वर का गेम देखें और अनुराग का गेम देखें। हम गेम के ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, गेम जिसका अच्छा ज़बरदस्त होगा तो आला होगा। अनुराग तो नज़र ही नहीं आता भाई, जब वो मतलब मनारा के साथ होता है, खानदादी के साथ होता है, तभी नज़र आ रहा होता है, तो उसका गेम नहीं। मुनव्वर तो हर जगह नज़र आ रहा है, छाया हुआ रहता है भाई बंदा हर जगह पे। तो जो भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं ना, नंबर वन पे आ गया अनुराग, नहीं भाई मुनव्वर ही है नंबर वन पे। पर आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, फैंस मुनव्वर को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करो, ज़्यादा रुकना नहीं है, रुकना नहीं है भाई। जिन्होंने वोट नहीं किया मुनव्वर को वोट करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग बोलते हो यार मुनव्वर को तो ये वोट कर देगा वो वोट कर देगा, तो इस तरह से आप लोग वोट मिस कर देते हो और जो है दूसरा बाजी फिर लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ कि बिला झिझक बिला किसी मुश्किल के बस थम लगाते जाओ, मुनव्वर को वोट करते जाओ, और फिनाले में भी मुनव्वर को सबसे ज़्यादा वोट पड़ने चाहिए। ये नहीं कि भाई उसको बोलो कि यार उसको तो दूसरा दे देगा या तीसरा दे देगा, अपना हिसाब से जो है ना सही किस्म की वोटिंग करो, ताकि मुनव्वर जो हकदार है सही गेम का वो टॉप पे ही रहे। और दूसरा ये कि वो बीबी किंग तो जीत गया, काफ़ी लोगों ने बीबी किंग भी अनुराग जीते, नहीं ऐसा कोई नहीं है, मुनव्वर ही जीता है। और बाकी घर में जो भी हुई है चीज़ें वो मैं बता देता हूँ। एक तो ये हुआ कि ऐश्वर्या जो है वो दिमाग के कमरे में चली गई और अरुण के साथ, अब वो लोग जो है कैप्टन एक तरह से बने हुए हैं, तो वो राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसमें खानजादी की ऐश्वर्या से लड़ाई हो रही है, जिसमें खानजादी ने बॉडी शेमिंग कर दी ऐश्वर्या की, फिर ऐश्वर्या ने भी मुड़ के जवाब दिया। फिर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जो एक तरह से कॉमेडी वे में भी है और एक गुस्से वे में भी है, जैसे कि अंकिता और विकी, विकी ने अंकिता को नॉमिनेट करवा दिया पूरे सीज़न के लिए। कई लोग ये बोल रहे हैं कि विकी अब पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेशन से बच भी गया, तो अगर ये है तो देखते हैं। कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अनुराग जो है वो अनुराग को नॉमिनेट किया था जो है क्या विकी भैया ने, पर अनुराग नॉमिनेट होते होते बच गया, जिसकी वजह से अनुराग का रिश्ता टूट गया विकी भैया से, तो वो भी देखना है। तो काफ़ी ऐसी ऐसी बातें इधर उधर से आती हैं जिससे इंसान जो है ना कान नहीं धरने चाहिए। बाकी मुनव्वर और मनारा का भी सीन हो चुका है वापसी एक, तो दोस्तों मनारा और जहाँ तक मुनव्वर का ताल्लुक है तो इनकी दोस्ती वापस रीहील हो रही है। और जितने भी लोग बोल रहे थे कि भाई अब मुनव्वर बात नहीं करेगा मनारा बात नहीं करेगी, तो दोनों कहीं ना कहीं दूसरे के प्लेट में भी खा रहे हैं, बस दोस्ती वैसी हो गई। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि मनारा जो है फुल टाइम मुनव्वर के साथ सिंसियर रहे, बाकी वो लड़की है अच्छी, अगर मुनव्वर के साथ उसकी जोड़ी रही तो सही है, बिग बॉस के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा। पर अगर मनारा ये चुगलियाँ शुगलियाँ मुनव्वर की छोड़ देना करना, तो बहुत बेस्ट रहेगी मुनव्वर के साथ, ये चुगली बस ख़त्म कर दे, और बाकी वो किसी की भी चुगली करे हमें कोई एतराज़ नहीं है, बस मुनव्वर की ना किया करे। क्योंकि उससे क्योंकि अगर मुनव्वर कर रहा होता दबा के उसकी बुराइयाँ, क्योंकि मुनव्वर ने आपने देखा होगा मुनव्वर को रिंकू जब भड़काती है तो वो बोलता है नहीं नहीं भाई मुझे पता है मनारा कैसी है, तो ऐसी होना चाहिए मनारा को भी। अब देखते हैं वीकेंड के बार में क्या होता है, किसकी कैसे क्लास होती है, पर मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे दूं कि मनारा और मुनव्वर फिर से हो रहे हैं एक, तो अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ है मुनव्वर के फैंस के लिए और मनारा के फैंस के लिए। तो अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।